नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं एंजल टेक एनालिसिस। तो चलिए आज बात करेंगे ब्रेकआउट स्टॉक्स के बारे में। मैं आज जो वीडियो लेकर आया हूं आप लोगों के लिए, इसमें मैं बात करूंगा ब्रेकआउट स्टॉक्स, जो स्टॉक्स जो है ब्रेकआउट दे चुके हैं और ये काफी अच्छे लेवल पर है जहां से हम बाइंग कर सकते हैं, या कुछ स्टॉक ऐसे भी आपको बताऊंगा जो अभी काफी बड़ी कैंडल के साथ जिन्होंने ब्रेकआउट किया है और वो रीटेस्ट होने के लिए आ सकते हैं। कहाँ पर एंट्री लेनी चाहिए, कहाँ क्या टारगेट होने चाहिए, क्या स्टॉप लॉस होने चाहिए, इन सारी वीडियो की हम चर्चा इन सारी बातों की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। सो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। देखिए, हम इस तरह की वीडियो कंटिन्यू लाते रहते हैं, ब्रेकआउट स्टॉक्स जो होते हैं और जो स्टॉक्स ऐसे हैं जो अभी ब्रेकआउट देने वाले हैं, मतलब मीन्स स्टॉक्स नियर ब्रेकआउट, ये सारी वीडियो लाते रहते हैं। प्लस इंट्राडे में आप लोगों को निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट वगैरह आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करते रहता हूँ। सो देखिए, मैं जो बताऊंगा आपको, ये सब 10 चार्ट आपको बताऊंगा, टॉप 10 चार्ट्स। तो ये जो 10 चार्ट होंगे, इन चार्ट्स में देखिए जो एंट्री होगी वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा किस तरह से यहाँ पर एंट्री ली जा सकती है। बट यहाँ पर एंट्री लेने से पहले एक बार अपनी आप खुद एनालिसिस जरूर कर लें, ठीक है? तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा सबसे पहला जो स्टॉक है वो है रेडिको, रेडिको खैतान। तो रेडिको खैतान में हम यहाँ पर देखेंगे तो हमको यहाँ पर एक असेंडिंग चैनल पैटर्न यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा था और यहाँ पर जो ट्रेडिंग हो रही थी वो कंटिन्यू असेंडिंग चैनल के बीच में हो रही थी और फाइनली यहाँ पर देखिए एक ब्रेकआउट आ चुका है, ठीक है? अब इसको हम चलते हैं वीकली चार्ट में और वीकली चार्ट में भी समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये जो रेजिस्टेंस था 495 के आसपास रेडिको खैतान का रेजिस्टेंस था और फाइनली देखिए इस लेवल पर आने के बाद यहाँ पर रेडिको ने नियर अबाउट आप देख सकते हैं सितंबर से लेकर के और आज तक यहाँ पर जो है कंटिन्यू सस्टेन किया है और फाइनली यहाँ पर जो है ब्रेकआउट दे दिया है। मीन्स यहाँ पर डेली कैंडल डेली चार्ट में भी हमको यहाँ पर ब्रेकआउट मिल चुका है और जो है वीकली चार्ट में भी हमको यहाँ पर ब्रेकआउट मिल चुका है। देखिए, उससे पहले मैं आप लोगों के बता दूं कि ये जो मैं आप लोगों के साथ 10 चार्ट शेयर करने जा रहा हूं, ये मेरी पर्सनल वॉच लिस्ट है। मैं पर्सनल वॉच लिस्ट आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं और इन स्टॉक्स में मैं जो एंट्री बनाऊंगा वो मे बी मैं 1 वीक भी रह सकता हूं, 1 मंथ भी रह सकता हूं और 6 मंथ भी रह सकता हूं। देखिए, ये रिटर्न के ऊपर है, जैसे जैसे मेरे को रिटर्न मिलते जाएगा मैं उस हिसाब से उसका ड्यूरेशन बढ़ाते जाऊंगा या अपने प्रॉफिट बुक करते जाऊंगा। सो अगर मैं वो चीजें मैं कब एंट्री ले रहा हूं या फिर कब मैं प्रॉफिट बुक कर रहा हूं, वो सारी चीजें अगर आप भी जानना चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर मैं कंटिन्यू अपडेट करते रहता हूं कि मैंने कौन से स्टॉक में एंट्री ली है, कौन से स्टॉक में मैंने क्या स्टॉप लॉस रखा है, कहां पर मैंने अपना टारगेट बुक किया है, कहां पे प्रॉफिट बुक किया है, वो सारी चीजें मैं कंटिन्यू अपने टेलीग्राम चैनल में अपडेट करता रहता हूं। सो अगर आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और कंटिन्यू अपडेट रह सकते हैं। तो ये हमारा पहला चार्ट था, देखिए रेडिको खैतान। तो यहाँ वीकली चार्ट है, वीकली चार्ट में भी ब्रेकआउट मिल चुका है हमको और यहाँ पर डेली कैंडल में भी हमको यहाँ पर ब्रेकआउट मिल चुका है। सो फाइनली इस स्टॉक को मैंने इसलिए पहला स्टॉक को मैंने इसको जो है मतलब इसको रैंकिंग की है, ये मेरा पहला स्टॉक है मतलब रेडिको खैतान। अब बात करेंगे हम दूसरे स्टॉक की। दूसरा स्टॉक देखिए हमारे पास है पावर ग्रिड। अब पावर ग्रिड को अगर हम यहां पर देखेंगे तो एक ये रेजिस्टेंस लेवल था, ये जो रेजिस्टेंस लेवल है ये 200 के आसपास था। अब जैसा कि आप जानते हैं कि देखिए 100, 200, 300, 400, 500 ये एक साइकोलॉजिकल लेवल होते हैं और साइकोलॉजिकल लेवल के पास आकर जो है यहां पर कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक है या फिर कोई पर्टिकुलर इंडेक्स है वहां पर उसको रिस्पेक्ट करता है। अब देखिए यहां पर मैंने आपको दिखाया कि ये डेली कैंडल है और डेली चार्ट में यहां पर देखिए कितना अच्छा यहां पर ब्रेकआउट हुआ है। अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा वीकली चार्ट। तो वीकली चार्ट में देखिए मैं ये जो ट्रेंड लाइन देखिए मैं दिखा रहा हूं, मैं ट्रेंड लाइन को थोड़ा डार्क कर देता हूं तो आप लोगों को यहां पर चीजें अच्छे से दिखाई देंगी। अब यहां पर हमने ये जो ट्रेंड लाइन देखिए ड्रॉ की है, ये ट्रेंड लाइन देखिए कंटिन्यू ऊपर से आ रही है और मैं चार्ट थोड़ा बड़ा कर देता हूं आप लोगों के लिए। और दूसरी बार देखिए यहां पर जाके रेजिस्टेंस लिया है और फाइनली देखिए इसको हमने आगे की तरफ एक्सटेंड किया है तो हमको यहां पर जो है वीकली चार्ट में भी हमको यहां पर एक ब्रेकआउट मिल चुका है। तो मींस कह सकते हैं हम यहां पर कि हमको डेली कैंडल में भी जो है ब्रेकआउट मिल चुका है और वीकली कैंडल में भी हमको यहां पर ब्रेकआउट मिल चुका है। सो ये भी एक बहुत अच्छा हमारे लिए मतलब आगे जाकर अपकमिंग डेज में यहां पर एक अच्छा स्टॉक साबित होगा, मल्टीबैगर स्टॉक साबित हो सकता है। यहां पर एंट्री मैं आप लोगों को बता दूंगा टेलीग्राम चैनल में, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे मैं एंट्री और प्रॉफिट वगैरह मैं सारी चीजें आपको वहां पर बता दूंगा। चलिए नेक्स्ट स्टॉक की बात करते हैं। तो नेक्स्ट स्टॉक हमारा है भारत फोर्ज। तो देखिए जो मैंने भारत फोर्ज का जो मैंने स्टॉक सेलेक्ट किया है, ये देखिए इनमें एंट्री जो है हमने पहले यहां पर ले चुके हैं। यहां पर देखिए 570 के आसपास हमने यहां पर एंट्री बना ली थी, बट यहां पर देखिए जो आप एक कैंडल देख रहे हैं ये एक इनसाइड कैंडल की तरह कुछ दिखाई दे रहा है और 600 के ऊपर फाइनली क्लोज हो चुका है। देखिए एंट्री हमने यहां पर 570 पर बनाई हुई है, बट अभी हम यहां पर क्या करने वाले हैं वो चीजें भी मैं आपसे शेयर कर देता हूं। देखिए अब हम यहां पर कंपाउंडिंग करेंगे, मींस कंपाउंडिंग क्या करेंगे, जैसे लोग एवरेज करते हैं प्राइस को नीचे जाने पर
तो हम यहां पर कंपाउंडिंग करते हैं जब प्राइस हमारे डायरेक्शन में मूवमेंट करता है। सो यहां पर देखिए फाइनली ऊपर की तरफ 600 का लेवल क्रॉस हो चुका है, साइकोलॉजिकल लेवल को इसने क्रॉस कर दिया है और जो क्लोजिंग आई है वो 600 के ऊपर आ चुकी है। सो यहां पर अगर मंडे के सेशन में यहां पर अगर 605 का लेवल जैसे निकलेगा सो मैं यहां पर एंट्री बनाऊंगा और मैं आपको बता दूंगा कि मैं एंट्री कहां पर बनाने जा रहा हूं। टेलीग्राम चैनल में मैं आपको चीजें बता दूंगा। चलिए इसका वीकली चार्ट भी हम यहां पर देख लेते हैं। तो वीकली चार्ट देखिए देखिए अब वीकली चार्ट में यहां पर नॉइसेस कम हो गई है। अब यहां पर देखिए ये एक हर्डल था जो 530 के आसपास एक हर्डल था, 530 लेवल के पास जाता था और कंटिन्यू नीचे की तरफ रिजेक्ट हो जाता था। फिर यहां पर देखिए 530 के लेवल के आसपास यहां पर गया, फिर रेजिस्टेंस लेकर नीचे की तरफ, और फाइनली अगर यहां पर आप देखेंगे तो इस ये जो 10 अगस्त से लेकर के कंटिन्यू यहां पर हर्डल ले रहा था 530 के लेवल को, और फाइनली यहां पर जब ब्रेकआउट किया था, जब ब्रेकआउट किया था तब मैंने यहां पर एंट्री बनाई थी। अब 600 के ऊपर की क्लोजिंग यहां पर आ चुकी है तो यहां पर एक बेस्ट टाइम है यहां पर अपनी क्वांटिटी बढ़ाने का। सो मैं टेलीग्राम चैनल में आपको अपडेट कर दूंगा कि मैं क्वांटिटी कहां पर बढ़ा रहा हूं। चलिए हम नेक्स्ट स्टॉक की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक हमारा है HDFC लाइफ। तो HDFC लाइफ के बारे में हम यहां पर बात करेंगे। देखिए यहां पर भी मैं कंपाउंडिंग करने वाला हूं। फाइनली हमारे जो एंट्री यहां पर है वो 702 रुपए के आसपास यहां पर हो चुकी है। 702 के पास मैंने यहां पर एंट्री बना ली है और जो भी मेरे स्टूडेंट्स जो मेरे पास लर्निंग करते हैं जो सीखते हैं उनको भी मैं कंटिन्यू रेकमेंड करते रहता हूं इन सब स्टॉक्स के बारे में जो मतलब 10 से 15 दिन के अंदर बहुत अच्छी मूव दे देते हैं। देखिए कई बार ऐसा होता है कि 10 ट्रेडिंग सेशन में हमको 25 से 30% की मूव भी मिल जाती है। देखिए हम ब्रेकआउट स्टॉक्स पकड़ते हैं, हम मोमेंटम स्टॉक्स पकड़ते हैं, हम ऐसे स्टॉक्स नहीं पकड़ते हैं कि मान लीजिए यहां पर हमने एंट्री ली 560 रुपए के आसपास और यहां पर 2-3 महीने 560 में घूमते रहे। नहीं, हमको ऐसा स्टॉक नहीं चाहिए। हमको ऐसा स्टॉक चाहिए कि आज हमने एंट्री ली और 10 से 15 दिन में हमको 15 से 20% हमको मिल जाए या फिर विद इन 1 वीक हमको मिल जाए, तो मैं ऐसे स्टॉक को ज्यादा प्रेफर करता हूं। तो चलिए अब चलते हैं यहां पर इसके वीकली चार्ट में और वीकली चार्ट में भी हम यहां पर देखने की कोशिश करेंगे। अब यहां पर देखिए मैं आपको वीकली चार्ट में आपको एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखाऊंगा इस तरह से। ये देखिए ये मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी है। अब यहां पर देखिए आप लोगों को कितनी बिल्कुल क्लियर पिक्चर दिखाई दे रही होगी कि यहां पर भी एक ब्रेकआउट हो चुका है वीकली चार्ट में। वीकली चार्ट में हमने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया ऊपर की तरफ और फाइनली यहां पर भी देखिए आपको यहां पर ब्रेकआउट दिख रहा है। सो देखिए ये मेरी पर्सनल वॉच लिस्ट है, कोई भी प्रोफेशनल आदमी जो है कभी अपनी पर्सनल वॉच लिस्ट शेयर नहीं करेगा। इसके रिगार्डिंग देखिए मेरे को कुछ वार्निंग भी मिल चुकी है कुछ बड़े यूट्यूबर या फिर कुछ समझ लीजिए जिनके पास बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर है टेलीग्राम चैनल में, वो मेरे को कंटिन्यू देखिए मेरे को ईमेल कर रहे हैं कि सर प्लीज आप जो है अपनी पर्सनल वॉच लिस्ट शेयर मत करिए पब्लिक के साथ या रिटेल ट्रेडर्स के साथ। बट देखिए मेरा मानना यह है कि अगर मेरे रिकमेंडेशन से आपके अगर 4 पैसे बनते हैं तो उससे अच्छी बात कुछ और नहीं हो सकती है। सेकंड देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं अगर जो मान लीजिए आप यहां पर एंट्री ले रहे हैं तो सबसे पहले एक अपनी एनालिसिस कर लीजिए उसके बाद एंट्री लीजिए। मैंने देखिए अपनी जो एनालिसिस है जो मेरे चार्ट है जो मेरी वॉच लिस्ट है वो चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं, बट एनालिसिस आपको एक बार खुद अपनी खुद करनी है। देखिए एक बात और बताता हूं मैं देखिए अगर मैं यहां पर चार्ट शेयर कर रहा हूं कुछ लोगों को बुरा लग रहा है, ठीक है ना। कुछ यूट्यूबर्स हैं ऐसे जो बड़े बड़े, अब मैं यहां पर नाम नहीं लेना चाहूंगा किसी को मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा, बट यहां पर कुछ बड़े यूट्यूबर है जो मेरे को कंटिन्यू 3 से 4 दिन हो गए हैं मेरे को मेल कर रहे हैं, आज भी मेरे को कम से कम 5 से 6 मेले आई हुई हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं उसकी भी स्क्रीनशॉट आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। सो उनका कहना है कि आप जो है पब्लिक के साथ या रिटेल ट्रेडर के साथ अपनी पर्सनल वॉच लिस्ट शेयर मत करिए। मे बी रीजन मैं नहीं जानता क्या रीजन हो सकता है। मैं ये कहता हूं कि अगर आप प्रॉफिट बना रहे हैं, अगर आप 4 पैसे कमाएंगे तो फिर आप मेरे जेब से तो लेकर नहीं ना जा रहे हैं, या फिर मैं आपको पैसे तो नहीं दे रहा हूं। मैं तो यहां पर सिर्फ आपको एक चीज बता रहा हूं जो मेरी पर्सनल वॉच लिस्ट है वो आपके साथ मैं सिर्फ शेयर कर रहा हूं। मैं ना मैं अपनी जेब से पैसे दे रहा हूं ना कुछ दे रहा हूं। मेरे को ये प्लीज मेरे को सजेस्ट करिएगा, मेरे को बताइएगा कि क्या रीजन हो सकता है आखिर जो ये बड़े यूट्यूबर मेरे को ऐसा करने से मना कर रहे हैं। मेरे को मेल करिएगा angeltechanalysis@gmail.com पर या फिर व्हाट्सअप 9878137600 पर व्हाट्सअप करके जरूर कुछ बताइएगा क्या रीजन हो सकता है। तो चलिए HDFC लाइफ भी यहां पर एक बेस्ट स्टॉक यहां पर हो सकता है इन फ्यूचर के लिए। तो ये थी हमारी वीकली एनालिसिस। अब ये डेली कैंडल मैंने आपको दिखा दी थी कि डेली कैंडल में भी यहां पर जो है अब हम यहां पर कंपाउंडिंग करेंगे, 725 रुपए के ऊपर निकलेगा तब मैं आपको अपना एक्यूरेट प्राइस मैं बता दूंगा टेलीग्राम चैनल में कि मैंने यहां पर कहां पर जो है कंपाउंडिंग की है। नेक्स्ट स्टॉक में चलते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा जस्ट डायल। तो जस्ट डायल को यहां पर हम देखेंगे, हमारे यहां देखिए हमने यहां पर जो एंट्री बनाई थी वो बनाई थी नियर अबाउट 445 के आसपास। मैं उसके एनालिसिस भी आपको बता देता हूं कि वो किस बेस पर मैंने बनाई थी, उसके पीछे का लॉजिक बता देता हूं। अब यहां पर अगर हम देखेंगे तो यहां पर देखिए जून से लेकर के कंटिन्यू यहां पर अक्टूबर तक यहां पर मार्केट एक साइडवेज हो गई थी और साइडवेज होने के बाद यहां पर एक रेंज बन गई थी और फाइनली जब इस रेंज का ब्रेकआउट आया था तो इस रेंज ये देखिए ग्रीन कैंडल ने ब्रेकआउट दिया था और यहां पर वॉल्यूम भी बहुत अच्छा लगा था। इसका मैंने डाटा एनालिसिस भी किया था तो डाटा एनालिसिस के अकॉर्डिंग भी यहां पर जो है एक अच्छी तेजी यहां पर दिखाई दे रही थी। सो 445 के आसपास हमने यहां पर जो है
एंट्री बनाई थी और ऑलमोस्ट हमने इसको यहाँ कहीं जहाँ पर ये कैंडल आपको दिखाई दे रही है, ये देखिए एक यहाँ पर ये बीरिश कैंडल बन चुकी है, ठीक है। ये जो कैंडल हमारी बनी थी ये नियर अबाउट 20 अक्टूबर के आसपास बनी थी। सो यहाँ पर हमने अपना जो है प्रॉफिट ही बुक कर लिया था, नेक्स्ट रेड कैंडल के बाद प्रॉफिट बुक किया था। सॉरी, अब यहाँ पर हमको एक अगेन अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिली है। देखिए मैं अब आपको, ये डेली की कैंडल है, ये मैं एक ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ करके रखी हुई है, इसको मैं यहाँ पर थोड़ा मैं ठीक कर देता हूँ। अब ये देखिए, ये जो ट्रेंड लाइन है यहाँ पर देखिए, यहाँ से हमने स्टार्ट करा और यहाँ पर देखिए अगेन यहाँ पर एक बार रेजिस्टेंस लिया था और फाइनली यहाँ पर ब्रेकआउट किया है। अब यहां पर देखिए, अगर हम वीकली चार्ट में भी अगर चलकर यहां पर देखें तो वीकली चार्ट में भी आपको यहां पर जो कैंडल दिखाई दे रही है ये बहुत जबरदस्त एक कैंडल दिखाई दे रही है। मींस यहां पर ऊपर से थोड़ा सेलिंग प्रेशर आया है, मे बी ये हो सकता है कि कुछ प्रॉफिट बुकिंग आ गई हो, बट यहां पर जो कैंडल है काफी अच्छी दिखाई दे रही है डेली चार्ट में भी और वीकली चार्ट में भी। अब मैं यहां पर मंडे के सेशन में मैं श्योर शॉट मैं यहां पर जो है एंट्री बनाने वाला हूं। लेवल क्या होगा वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दूंगा। तो चलिए अपने नेक्स्ट स्टॉक पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है मेरा सीएट। तो सीएट में देखिए मैंने यहां पर जो एंट्री बनाई हुई है, ये एंट्री मैंने, चलिए मैं आप लोगों के साथ मैं शेयर कर दूंगा मैंने एंट्री कहां पर बनाई थी। ये देखिए, चलिए मैं आपको बता ही देता हूं, इस लेवल के आसपास जब यहां पर ब्रेकआउट हुआ था इसके पास हमारे यहां पर एंट्री बनी थी। सो यहां पर देखिए कुछ क्वांटिटी मैंने बुक कर ली थी और कुछ क्वांटिटी मैंने यहां पर अपनी होल्ड रखी हुई थी। तो चलिए चलिए वो बात हम बाद में करेंगे। अब यहां पर देखिए, यहां पर ऊपर से हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है, ये देखिए ये ट्रेंड लाइन यहां से देखिए हमने स्टार्ट करी और ये देखिए कंटिन्यू इसके पास से आकर 2 बार मार्केट रिवर्स हुई है। एक यहां पर आकर देखिए इसने शूटिंग स्टार बनाया है, यहां से रिवर्स हुई है। एक यहां पर देखिए आकर इनने जो है एक डोजी टाइप की कैंडल बनाई है, यहां से फिर रिवर्स हुई है। और फाइनली यहां पर देखेंगे, देखिए लॉजिक मैं आपको समझा रहा हूं, लॉजिक ध्यान से समझिए। अब यहां से देखिए, यहां पर जो हमने ट्रेंड लाइन नीचे ड्रॉ करके रखी हुई है, यहां से फर्स्ट टाइम बाउंस बैक हुई थी और यहां पर सेकंड टाइम बाउंस बैक हो रही है। सो ये एक अच्छा, बहुत अच्छा मीन्स हम कह सकते हैं कि स्टॉक हो सकता है इन फ्यूचर के लिए। देखिए यहां पर टारगेट जो है मेरा, टारगेट काफी बड़ा है, टारगेट मेरा ऑलमोस्ट 1800 से 2000 के आसपास है। मेरी एंट्री यहां पर 900 कुछ पर एंट्री बनी हुई थी। सो यहां पर देखिए 50% क्वांटिटी मैंने बुक कर ली थी, 50% क्वांटिटी अभी और थी। अभी मैं 50% क्वांटिटी मैं जो ऐड करूंगा वो मैं मंडे के सेशन में ऐड करूंगा और वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दूंगा। तो ये है हमारा अगला स्टॉक सीएट। तो चलिए अब हम अगले स्टॉक की अपने बात कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा अजंता फार्मा। तो अजंता फार्मा में अगर आप यहां पर ध्यान से देखें तो ये एक हमारे पास हर्डल है, ये हर्डल हमारा 1720 के आसपास जो है अजंता फार्मा में एक हर्डल था। 1720 के पास जाकर देखिए यहां पर शूटिंग स्टार बना, शूटिंग स्टार के बाद देखिए मार्केट रिवर्स हुई। अगेन यहां पर देखेंगे तो यहां पर 1720 के लेवल के आसपास अगेन यहां पर शूटिंग स्टार बना है और अगेन देखिए यहां पर जब रेंज बननी स्टार्ट हो गई, फाइनली रेंज नीचे की तरफ ब्रेक हुई तो यहां पर देखिए मार्केट नीचे की तरफ अगेन। अब देखिए 1720 के लेवल को इसने क्रॉस कर दिया है और यहां पर जो हमने फ्राइडे के सेशन में देखा, एक यहां पर ज्यादा वॉलेटाइल मार्केट देखी। अब हम इसको चलते हैं वीकली चार्ट में भी देख लेते हैं। अब देख लिए, मे बी शायद आपका जो है डाउट क्लियर हो गया होगा कि यहां पर कितनी अच्छी कैंडल। देखिए हमको कई बार डेली कैंडल में जो है पिक्चर क्लियर दिखाई नहीं देती है, सो हमको वीकली कैंडल में जाकर भी एनालिसिस करनी पड़ती है। सो वीकली कैंडल में अगर आपको यहां पर देखें तो देखिए एक बहुत अच्छा रेंज का यहां पर आपको ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है और फाइनली यहां पर 1790 के आसपास यहां पर मार्केट दिख रही है। एंट्री हमारी यहां पर हो चुकी है, ऑलरेडी हमने यहां पर एंट्री ले ली है। अब यहां पर कुछ क्वांटिटी और ऐड करनी है, इसको हमने यहां पर मंडे के सेशन में कुछ क्वांटिटी ऐड करेंगे, वो मैं टेलीग्राम चैनल में आप लोगों को अपडेट कर दूंगा कि मैंने यहां पर किस लेवल पर जो है और मैंने क्वांटिटी ऐड करी है। चलिए हम अपने नेक्स्ट स्टॉक की बात करते हैं। नेक्स्ट स्टॉक हमारा है श्री सीमेंट। तो श्री सीमेंट में हम यहां पर देखेंगे सेम अभी जैसा हमने देखा पीछे अजंता फार्मा में कि वीकली चार्ट में इस तरह का एक पैटर्न बन रहा था, तो यहां पर जो है डेली चार्ट में देखिए इस तरह का एक पैटर्न बन रहा है। और देखिए अब मैं यहां पर दूसरी चीज आपको बताना चाहूंगा कि यहां से देखिए अगर हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो इस तरह से देखिए एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेकर यहां पर फाइनली जो है ऊपर की तरफ मार्केट निकली है। अब मैं इसको अगर पीछे की तरफ यहां तक लेकर आऊं तो आपको यहां पर साफ साफ दिखाई देगा कि पहली बार यहां से मार्केट बाउंस बैक हुई थी और अगेन सेकंड टाइम जब इस ट्रेंड लाइन के आसपास आई है तो नीचे भी एक सपोर्ट था इसको 23300 के आसपास। तो यहां से कंटिन्यू यहां पर देखिए इसने रेंज बनाया है, रेंज बनाने के बाद फाइनली यहां पर जो है ब्रेकआउट आया है। अब एक चीज में देखिए ध्यान से देखिएगा, मैं आपको एक लॉजिक और यहां पर दिखाने की कोशिश करूंगा। यहां पर 2-3 चीजों का यहां पर ब्रेकआउट हुआ है। सो यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर एक सिमेट्रिकल ट्राइंगल पैटर्न यहां पर बन गया था श्री सीमेंट में और फाइनली ऊपर एक रेजिस्टेंस था, फाइनली वो रेजिस्टेंस भी जो है यहां पर क्लियर हो चुका है। अब यहां पर मेरे को जो कंपाउंडिंग करनी है, एंट्री हमने यहां पर 24-25 हजार के आसपास बनाई थी। अब यहां पर जो हमने कंपाउंडिंग करनी है वो भी मैं आपको बता दूंगा टेलीग्राम चैनल में। अब यहां पर वीकली चार्ट भी हम यहां पर देख लेते हैं। तो वीकली चार्ट भी देखिए यहां पर अगर हम देखिए रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे तो ये रेजिस्टेंस हमको इसके आसपास मिल रहा है, ये देखिए
अब यहां पर ये जो रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस का जो लेवल था ये 25,110 के आसपास था, और फाइनली ये देखिए ये सारे लेवल क्रॉस करके श्री सीमेंट ने ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे दी है। कैंडल अगर आप देखेंगे तो कैंडल एक सुपर बुलिश कैंडल है, और मे बी यहां से एक अच्छी जो है बाइंग यहां आ सकती है, अच्छी मूव यहां पर हमको श्री सीमेंट से मिल सकती है। देखिए वीडियो थोड़ी लंबी हो जा रही है, चीजें मैं आप लोगों को अच्छी तरह समझा रहा हूं, सो अगर वीडियो लंबी हो तो माइंड मत करिएगा। नेक्स्ट स्टॉक चलिए हम बात कर लेते हैं मारुति सुजुकी। तो मारुति सुजुकी में भी देखिए सेम जो है सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है, और फाइनली देखिए ऊपर की तरफ क्लोजिंग आ चुकी है। अब यहां पर देखिए मंडे के सेशन में यहां पर जो है हम यहां पर कुछ क्वांटिटी और ऐड करने की यहां पर कोशिश करेंगे, और वो चीजें मैं आपको टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दूंगा। नेक्स्ट स्टॉक की चलिए बात कर लेते हैं, नेक्स्ट स्टॉक हमारा श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस। तो इसमें भी देखिए कितनी अच्छी एक कैंडल आपको अगर वीकली में आप ध्यान से देखिए, चलिए मैं पहले आपको डेली में चार्ट दिखाऊंगा उसके बाद वीकली की हम बात करते हैं। तो यहां पर देखिए अब डेली चार्ट मैंने आप लोगों को यहां पर लगा दिया है, और ये जो पैटर्न जो यहां पर बना हुआ है एक बहुत जबरदस्त पैटर्न इसको हम कहते हैं, ये होता है देखिए इनसाइड कैंडल। तो एक इनसाइड कैंडल एक स्ट्रेटेजी होती है, मीन्स पिछला हाई पार नहीं करना चाहिए, ये जो कैंडल देखिए नेक्स्ट डे की जो कैंडल बनती है उसको पिछले डे का हाई क्रॉस नहीं किया होना चाहिए, और नेक्स्ट डे थर्ड डे मीन्स यहां से अगर क्रॉस करता है तो एक काफी अच्छी मूवमेंट होती है। So, देखिए अगर हम फाइनली यहां पर ध्यान से देखें तो पहले मैं ये चीज डिलीट कर देता हूं, यहां पर एक रेजिस्टेंस लेवल था, रेजिस्टेंस लेवल यहां पर क्रॉस हुआ है, और फाइनली देखिए यहां पर 1190 से देखिए यहां पर कहां पहुंच चुका है 1322 के आसपास। अब यहां पर भी जो हमने कंपाउंडिंग करनी है वो मैं बताता हूं, चलिए हम वीकली चार्ट देख लेते हैं पहले। तो वीकली चार्ट में यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक ट्रेंड लाइन मैंने यहां पर ड्रॉ करके रखी हुई है, चलिए मैं इसको डिलीट करता हूं और अगेन आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं। देखिए जब तक चीजें आपको समझ में नहीं आएंगे तो मेरा वीडियो बनाने का मोटिव पूरा नहीं होगा। अब यहां से देखिए यहां पर हमने एक ट्रेंड, ये वीकली चार्ट है ध्यान रखिएगा, ये वीकली चार्ट है, और अब हम इसको चार्ट को बड़ा कर लेते हैं। तो यहां से फाइनली देखिए हमने ट्रेंड लाइन स्टार्ट किया, अगेन जो है इसको हर्डल मिला था, वो हर्डल मिला था देखिए 1350 के आसपास, और इसी को फाइनली हमने देखिए आगे एक्सटेंड कर दिया, और फाइनली यहां पर भी हमको एक ब्रेकआउट मिल चुका है। अब इसके लिए जो रेजिस्टेंस लेवल है ये कहीं अपने रेजिस्टेंस लेवल के आसपास में ही यहां पर देखिए अभी खड़ा है। अब ये देखिए अगर ये 1300 का लेवल ये क्रॉस करता है मंडे के सेशन में तो मे बी यहां पर जो टारगेट मिलने वाला है वो टारगेट 1500 से 1600 के आसपास हो सकता है। तो श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस पर नजर बनाकर रखिएगा। चलिए नेक्स्ट स्टॉक की बात कर लेते हैं, नेक्स्ट और लास्ट स्टॉक हमारा है टीसीएस। तो टीसीएस में भी देखिए यहां पर अगर हम डेली चार्ट में चलें तो डेली चार्ट में देखिए, अब मैं देखिए चीजें मैं आपको यहां पर ध्यान से बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा। अब इसको चलिए यहां से हम उठा लेते हैं और इसको इसके आसपास कहीं रख लेते हैं। अब यहां पर देखिए मैं आप लोगों को अपनी वीडियो में कंटिन्यू बताता हूं कि जब भी कभी असेंडिंग चैनल का ब्रेकआउट होता है तो उस ब्रेकआउट में एक बहुत जबरदस्त मूव होती है। असेंडिंग चैनल पैटर्न जो होते हैं वो मे बी आप मान लीजिए अगर यहां की दूरी मान लीजिए 10 पॉइंट की है तो यहां पर 50 पॉइंट देने की हिम्मत रखता है ये असेंडिंग चैनल ब्रेकआउट। सो फाइनली देखिए यहां पर असेंडिंग चैनल का ब्रेकआउट यहां पर हो चुका है, एंट्री हमारी 3035 के आसपास यहां पर हुई थी। मोस्टली स्टॉक में देखिए जो मैं बता रहा हूं यहां पर कंपाउंडिंग मैंने करनी है, ठीक है ना, और अगर आप चाहें तो फ्रेश एंट्री के लिए तो एक बार एनालिसिस करके फ्रेश एंट्री ले सकते हैं। यहां पर लेवल में आप लोगों को कंटिन्यू मैं आपको टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दूंगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर देखिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने पे देखिए आपको क्या आपको वहां पर चीजें देखने को मिली, मैं यहां पर निफ्टी और बैंक निफ्टी की मैं इंट्राडे ट्रेडर हूं, ऑप्शन ट्रेडर हूं, और मोस्टली मैं जो है ऑप्शन ट्रेडिंग करता हूं इंट्राडे में, इंट्राडे में मैं स्टॉक्स ट्रेडिंग नहीं करता हूं। सो वहां पर मैं चीजें आपको कंटिन्यू अपडेट करते रहता हूं, जो कॉल मैंने ली, जो पुट ली, जो ऑप्शन राइटिंग करी, जो ऑप्शन बाइंग करी, वो सारी चीजें मैं आप लोगों को पर कंटिन्यू अपडेट करते रहता हूं, और वीकेंड पर मैं वहां पर आप लोगों को पोजीशन के लिए चार्ट्स में अपडेट करता हूं, अगले वीकेंड पर मैं उसको अपडेट करता हूं कि किस स्टॉक ने क्या परफॉर्म किया। अभी देखिए जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी ब्रेकआउट की उसमें देखिए 90% जो स्टॉक है उन सब ने मूव दे दी है, बहुत अच्छी मूव दी है, मोर देन 10 से नियर अबाउट 10 से 15% के आसपास नियर अबाउट सभी स्टॉक्स ने मूव दी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पीछे जाके वीडियो देख लीजिएगा, मेरे ख्याल से वो लास्ट वीक ही वो मैंने वीडियो बनाई थी, और मोस्टली स्टॉक ने जो है बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। अब चलिए यहां पर देखिए, अब यहां पर ये ब्रेकआउट हुआ असेंडिंग चैनल का, यहां पर ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट होने के बाद यहां पर देखिए अब एक हाई यहां पर लगा हुआ है, अब अगर हम ध्यान से देखें तो ऑलमोस्ट यहां पर 3 दिनों से कंटिन्यू सेम हाई लग रहा है, और इस हाई की बात करें तो 3120 से 3125 के आसपास का हाई है। अब ये लेवल जब क्रॉस करेगा तो यहां पर समझ लीजिए एक बूम होने वाला है। अब मैं वीकली चार्ट में आपको लेकर चलता हूं, वीकली चार्ट में अभी हम यहां पर ध्यान से देखेंगे। अब देखिए हमने वीकली चार्ट लगा लिया है और यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अक्टूबर से लेकर अभी तक यहां पर जो है छोटी 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 कैंडलें बन रही थी। एक जो ब्रेकआउट आया था वो ब्रेकआउट आया था 5 अक्टूबर को। अब फाइनली देखिए इतने दिनों के बाद हम कह सकते हैं 3 से 4 महीनों के बाद जाकर हमको एक इतनी बड़ी कैंडल मिली है। अगर इस कैंडल में हम ध्यान से देखें तो ना हमको कोई खास वीक ऊपर दिखाई दे रही ना नीचे दिखाई दे रही, मींस यहां पर अगर बायर एक्टिव हुए हैं तो वो कंटिन्यू फुल फ्लैश में इसको टीसीएस को कंटिन्यू ऊपर लेकर गए हैं। सो ये भी जो है
इन फ्यूचर हमारे लिए बहुत अच्छा स्टॉक साबित हो सकता है। एंट्री हमने यहाँ पर ले चुकी है, कंपाउंडिंग इसमें भी अगेन यहाँ पर करनी है। तो चलिए मैं यहाँ पर आप लोगों को बता देता हूँ कि यहाँ पर एक मैं हिंट आप क्लू दे देता हूँ कि जब यहाँ पर 3125 के ऊपर कंटिन्यू सस्टेन करना शुरू कर देगा, 3125 के ऊपर 10-15 मिनट सस्टेन कर लेगा, तो वहां पर जो है एंट्री के लिए एक बेस्ट मौका हो सकता है। चलिए अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। देखिए कम से कम एक लाइक तो कर दिया करिए। इतने सारे स्टॉक्स में से 500-700 स्टॉक्स में से मैं आप लोगों के लिए 10 टॉप 10 स्टॉक्स में निकाल कर लेकर आता हूं, उसके बाद लोगों की इतनी आलोचनाएं सुनता हूं, लोग मुझे इतना वार्निंग भरे मैसेज भी भेजते हैं, सब कुछ करते हैं, उसके बावजूद मैं आप लोगों के लिए इतनी वीडियो में शूट करता हूं और आप लोगों के लिए चार्ट में टेलीग्राम चैनल में कंटिन्यू पोस्ट करता हूं। सो एक लाइक तो बनता है। चलिए वीडियो पसंद आई हो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय माता दी।